भाई आपने जो बात कही है ना, ये एक इतना बड़ा और इतना अहम और इतना ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है कि अगर इमेजिन करिए कि हमारे पास एक ऐसे टाइप का, तो भाई सोचने में कोई रोक नहीं सकता, सोचने में कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन सोचते हैं लोग तो हो सकता है बाद में कोई कर भी ले, लेकिन जस्ट एक ख्याल आ रहा है कि कहीं अगर हमारे पास अपना एक बोर्ड होता और वो बोर्ड के अंदर जितने सिलेबस की किताबें होती, वो किताबों के अंदर साइंस के साथ साथ वो कुरान का पर्सपेक्टिव, वो इस्लाम की बताई गई बातें, वो वाटरसाइकिल जो कुरान और हदीस में मिल रहा है, या वो ब्यूटीफुल डिस्कवरीज, या वो ब्यूटीफुल इंडिकेशन, जो कई सारी चीजें ऐसी है जो साइंस डिस्कवर कर चुका है जो कुरान में 1400 साल पहले से है, कई सारी डिस्कवरीज जो मुस्लिम साइंटिस्ट ने की, लेकिन कई सारी ऐसी भी चीजें हैं जहाँ इस्लाम इशारा दे रहा है, जो हो सकता है आगे कोई अगर रिसर्च करेगा तब जाके डिस्कवर करेगा कि ये बात सही है। तो हम कहते हैं कि वो सब बातें अगर इंक्लूड होके एक ऐसा सिलेबस ही नहीं बल्कि एक पूरा एक बोर्ड होता, क्योंकि बोर्ड के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि फलां बोर्ड का ये रिस्ट्रिक्शन है, और अगर ऐसा एक इस्लामिक सिलेबस वाला बोर्ड कायम हो जाता जिसमें कोई वो चीज नहीं होती जो इस्लाम ने जो सिखाया, जो मॉरल सिस्टम, जो सारे इंसानों के भले के लिए, जो कंट्री के भले के लिए, जो इंसानों के भले के लिए, वो एक पूरा मॉरल सिस्टम एक प्रॉपरली इंक्लूडेड हो, एक बहुत बैलेंस तौर पर पढ़ाया जाए, और ये काम जो एक इस्लामाइजेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट, जो नॉर्मल जो अकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर उसका भी इस्लामाइजेशन हो, तो कितना बड़ा वैल्यू एडिशन हो जाएगा लोगों के लिए। राइट।